Welcome to the learning world. We are going to discuss in this lecture that what are the topics of Indian polity asked in GS paper 2. सभी जानते हैं कि Indian polity जो है वो GS paper 2 में आता है, but कई बार ये confusion हो जाता है कि कौन कौन से वो topic हैं जो Indian polity से belong करते हैं, तो उसमें काफ़ी confusion लोगों को रहता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक video लेके आया हूँ. So let's go and discuss the topics which are there for Indian polity in GS paper 2. So हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो इंडियन पॉलिटी से रिलेट करेंगे, अगर वो आ जाते हैं तो हम समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट. तो अगर हम वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट में जाएं, तो हम सीधे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उससे रिलेटेड जो भी इसके प्रोविजंस हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमारे जीएस पेपर टू मेंस या फिर प्रीलिम्स में आता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमारे पार्ट में आ गया, ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वो किसका पार्ट होगा? इंडियन पॉलिटी का पार्ट होगा. सिंपली वो किसका पार्ट है? इंडियन पॉलिटी का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजंस में आते हैं. थोड़ा और डेप्थ में अगर जाके देखेंगे सिंगल सिंगल वन बाई वन टॉपिक, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, फिर कैसे भी रहा, फेमस हो गया न्यूज़ में, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, सभी में आता रहा, तो फिर बहुत चांसेस हो जाते हैं कि वो मेंस में पूछा जा सकता है. उससे रिलेटेड काफ़ी जो नई चीज़ें चल रही थी वो भी पूछी जा सकती हैं. अगर कोई नया टर्म उससे रिलेटेड आया तो वो हमारे मेंस पेपर में पूछा जा सकता है. प्रीलिम्स में कैसे पूछते हैं? प्रीलिम्स में पूछते हैं प्रेसिडेंट का जो टॉपिक होगा हमारे, जो एम लक्ष्मीकांत बुक में दिया है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, कैसे उसको रिमूव करते हैं, कैसे उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये सब पूछा जा सकता है वहाँ पे. तो ये टॉपिक किसका है? इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. नेक्स्ट गवर्नर, अगर गवर्नर के बारे में आता है कोई टॉपिक, तो वो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होता है. सेकुलरिज्म, अगर सेकुलरिज्म पे हम जाएंगे, तो सेकुलरिज्म जो है, ये वर्ड सेकुलरिज्म, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में. सेकुलर स्टेट है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है, तो ये किसका टॉपिक होगा? इंडियन पॉलिटी का. प्रीएम्बल में जो कुछ भी दिया हुआ है हमारे, सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे किसके टॉपिक होंगे? ये सिंपली हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स होंगे, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, क्योंकि ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है. और सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया है कि प्रीएम्बल जो है हार्ट एंड सोल, नॉट हार्ट एंड सोल, ये तो लोगों ने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. क्या? प्रीएम्बल. प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भी उससे रिलेटेड है वो तो हमारे जीएस पेपर टू में इंडियन पॉलिटी का टॉपिक आएगा. अगर ये हमारे पेपर में आता है तो हम समझेंगे कि ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ. अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है तो वो हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होगा. क्यों? क्योंकि डिफेक्शन वगैरह जो भी करते हैं ये हमारी लक्ष्मीकांत में दिया है. लक्ष्मीकांत में पूरा जो कुछ भी दिया है वो कहाँ पे किस लिए दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. तो अगर कोई लक्ष्मीकांत से आता है टॉपिक तो हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया आपके पास, तो वो किसका टॉपिक है? इंडियन पॉलिटी का. इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास? अगर देखेंगे तो जुडिशियरी, जुडिशरी को भी काफ़ी ब्रॉडली हम कवर करते हैं, तो जुडिशियल थिंग्स नहीं, जुडिशियरी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है तो वो हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. बट अगर कुछ भी जुडिशियल रिव्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ पे कोई बहस चल रही है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, उस पर जुडिशियल रिव्यूज़ आ रहे हैं बार बार, गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, तो वो सब ई गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है. बट अगर स्पेसिफिकली हम जुडिशियरी पे जाएंगे, ओके, जुडिशियरी पे एज अ टॉपिक अगर बात करेंगे तो वो हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होगा. इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं ये हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक होते हैं. इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो सेकुलरिज्म वगैरह के बारे में बात कर ही चुका हूँ. स्पीकर को आप ले लीजिए, ये किसका टॉपिक है? हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है. प्रीएम्बल हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, एंड सो ऑन. जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर उसके प्रोविजंस हैं वो सारा कुछ इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होता है. सो दिस इज़ इट फॉर द लेक्चर. आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं प्रीलिम्स बूस्टअप की, जहाँ पर हम डेली आर्टिकल्स पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लाके डिस्कस करते हैं, नॉट क्वेश्चंस, वहाँ पे फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट. थैंक यू.